सिर्फ एक आएगा एक, वो सिर्फ गोल्ड का टुकड़ा होगा और वो भी कमर का। फिले उसे फिले कहते हैं, बीफ फिले, बीफ फिले उसमें से एक फिले, ठीक है। फिश फिले मछली के फिले भी निकलते हैं, उसमें भी फिश ट्रैक बनते हैं, हम शिकार के हम क्रम फ्राई करते हैं फिले मछली के। ब्रेड ग्रम रबड़ का चूल्हा, मगर अब पेट्रोल मिलता है, पहले बनाया करते थे, अमूमन फ्राई की जाती है, कोटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोटिंग क्या है? कोटिंग ऊपर जो क्रम्स जो लगा रहे हैं वो कोटिंग कह रहे हैं, लग सही है। ब्रोकली बटर मक्खन सॉल्टेड, ठीक है। सूजन सॉल्टेड, ये भी मक्खन होता है, ठीक है। कैबानोसी क्या चीज है? ये सॉसेज फिलिंग, अंतड़ियां भरी हुई जो होती हैं, ठीक है, उनको मुख्तलिफ फिल्म में मिलती हैं, फर्दीज कहते हैं, ठीक है। अब किस चीज की फिल्म है उसमें, ये आपने और जो डब्बों पर लिखा होता है बीफ की, चिकन की, और उसमें एक और बकरी ला रही है, ठीक है, बता रही है। आपने बताया उसमें जावेत्री इस तरह से कैबेज, बंद गोभी, गरम पन्ना, चीज, बोकोनसी, छोटी छोटी गेंदों या गोलियों शक्ल में आमियां बस्सी के साथ एक क्या होता है? ठीक है जी, ब्रोकली गोल गोल समझ रहे हैं, ब्रोकली बोकोनसी, बोकोनसी चीज की छोटी छोटी गोलियां बनाई, ठीक है, जिसको हमने पाकिस्तान में रवाज किया। हम मक्खन की छोटी छोटी गोलियां बना कर रखते हैं सरसों के साग के साथ, सूबे में तीन लोग दो गोली डाल दें और बर्फ में रखते हैं ताकि मेहनत ना हो, इसलिए बकर चीज की गोलियां बना कर रखी जाती हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को सौते कर रहे होते हैं तो फिर आए, ठीक। चैनल ये भी एक चीज़ है, क्रीम चीज चीज़ है, काटर चीज ये भी चीज़ है, ठीक है। फ्रेश कोल्ड मिल्क चीज है, ग्रेवर चीज है, जॉनबर्ग चीज है, आगे भी मैंने मालिक लीजिए कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पाई जाती है, चिकन मिल्क चीज है। हाँ जी, अब हाँ पढ़ के सुनाए आप, एक सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चिली बॉर्डर से पहले तक का चिली बॉर्डर ये पढ़ेंगे आप जी। कैफालोगो बेयर, भेड़ के दूध से बना हुआ पनीर जो थोड़ा सा सख्त मगर जायके में हल्का नमकीन होता है। मोजरेला, हल्का नरम साफ सुथरी दही से तैयार करता पनीर इंतहाई देर में पिघलता है। हार्ड, ये हार्ड में आ जाएगा, वेरी हार्ड। न्यूफ चैकल, क्रीम चीज से मुशाबा रखने वाला पनीर मगर इससे ज्यादा नरम होता है। पार्मेसन, एक तेज जायकेदार पनीर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। पेक्रो पेक्वारिनो, इंतहाई तेज जायके वाला हार्ड चीज। रकोटा, हल्के जायके हल्के दरमियाने जायके का दही से तैयार करता चीज। ट्रोब्लो, ट्रू ब्लू सफेद मगर हल्की नीली झलक देने वाला सादा और क्रीम मिला चीज। चिलीज, मिर्च मुख्तलिफ अनवाओं शक्ल में मिलती है, सबसे छोटी मिर्च सबसे ज़्यादा तेज़ गिनी जाती है। मिर्च इस्तेमाल करते हुए रबड़ का दस्ताना इस्तेमाल करने वाला वरना जलन पैदा कर सकती है। ये लगभग क्या है क्योंकि हमारे यहाँ मिर्च हाथों से डाले तो हमें एहसास नहीं होता, ठीक है। ये उनके लिए लिखा है जो मिर्च इस्तेमाल नहीं करते, वो जब डालेंगे तो उनके हाथों में लगेगी, हाथ का हरी मिर्च बड़ी जल्दी लगती है। यहाँ लगेगी, यहाँ
लंबी तो गई। बच्चों में सबसे ज्यादा सबसे तेज उनके बीज होते हैं जिन्हें इस्तेमाल से कबल हटा देना चाहिए, बशर्ते कि आप हल्के मसाले के खाने इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों? कि हमारे यहाँ का मसाला इस्तेमाल नहीं होता, बीज में डाल देते हैं। ठीक है, इसलिए बीज हम डालते हैं, वरना जो सिर्फ कलर के लिए बच्चों का छिलका उसमें तेजी नहीं होती। ठीक है, चिली पाउडर, पिसी हुई मिर्च, चिली सॉस और क्या स्वीट हर दो किस्म में चाइनीज वैरायटी के साथ दस्तयाब है। चिली सिरका और नमक से तैयार होती है। ड्राइड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई साबुत मिर्चें, चूल चाइव्स, प्याज के जायके वाली एक सब्जी, उसकी जगह हरी प्याज इस्तेमाल की जाती है। कोरिजो सॉसेज, अस्पानवी और मैक्सिको तर्ज के खाने में शामिल इंतहाई तेज मसाला जात लहसुन चिली और साइन पेपर के साथ शामिल पोर्क के साथ बना हुआ सॉस। यहाँ लग क्या लिखी है? पोर्क। बात समझ गए आप? जब आप बाजार से खरीदेंगे तो ये चीज मिली हुई होगी क्या? अच्छा, पोर्क मिला होगा। मिला हुआ होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी एक चीज आप अपने खुद बना रहे इसको। ठीक है, यहाँ इस बात कर ली उसमें ये भी रहेगा बछड़े का गोश्त डाल दिया। ठीक है, ये आपने बताया था वो कोहान का गोश्त डाल। ठीक है, ये तैयार ही मिलता है और फौरी इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये ना मिले तो स्पाइसी सलामी इस्तेमाल किया जाता है या फिर बछड़े का गोश्त। आगे बढ़ा। ठीक है, कोरिएंडर, धनिया, इसे सिलेंट्रो भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे चाइनीज पार्सले भी कहा जाता है। ये ताज़ा भी काबिल इस्तेमाल होता है, जबकि बीज की शक्ल में या फिर बीज को पीस कर पाउडर की शक्ल में भी काबिल इस्तेमाल होता है। चिकनाई की तादाद 25% कदरे कम होती है। होटलों और कन्फेक्शनरी वगैरह में इस्तेमाल के लिए पसंद की जाती है। साउथ लाइट, एक हल्की क्रीम, ये भी तजारती इस्तेमाल के लिए है। याद रखिए ये साउथ क्रीम का मतबादल हरगिज नहीं। क्रीम डी कोको, काकाओ, चॉकलेट के फ्लेवर वाला मशरूम। लिक्वर, सर एक लिक्वर का लफ्ज शराब के लिए भी शायद इस्तेमाल होता है या सर मजरूम के या लिक्वर लिक्वर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लिक्वर शराब के लिए इस्तेमाल नहीं होता। नहीं होता सर, उस जगह इस्तेमाल होता है शराब में कोई चीज डाल कर बनाई गई हो। अच्छा, वाइन लिक्वर। सही। ठीक है, रेड वाइन लिक्वर। बात समझे, उसमें कोई चीज डाल के पेश की जा रही है तो वो कह रहा है। ठीक है, वाइन पंच लिक्वर। बात समझिएगा। कश्मकश एयर रेजन किशमिश एयर रेजन भी कहते हैं। बड़े अंगूर की किशमिश को कहते हैं। देखिए बीज होते हैं। ठीक है, करी पाउडर, पिसे हुए मसाला जात जिसमें मिर्चे, धनिया, जीरा, हल्दी, पेनल, पेनल, राई शामिल होते हैं। पाउडर हम लिखते हैं ना, याद रखिएगा। सौंफ, लौंग के छिलके, कभी देखा लौंग के काली के छिलके थोड़ा बीच में होता है जी, भुरभुरा आता होता है। ठीक है, जब ढेर सारे लौंग इकट्ठी होना बोरी में निकाली जाए तो नीचे वो फिर बच जाता है। क्या बच जाता है? उसकी खुशबू बिल्कुल लौंग की तरह होती है, टिकरी की होती है, वो आता है तेल बनने के काम। लौंग का तेल जब इस्तेमाल होता है उसके लिए वो इस्तेमाल होता है, मगर जब मिक्स मसाले बनाएंगे तो वहाँ तेल इकट्ठा लेते हैं, वो बहुत सस्ता भी जाता है, उनके लिए कचरा है ना वो। जी बेटा, कस्टर्ड पाउडर, पुडिंग मिक्स, दाशी, जापानी खानों में यम्मी जैसी बुनियादी हैसियत में इस्तेमाल होने वाला स्टॉक।